दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरूके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब अगर बात करते हैं, जहाँ पे टीचर लीग अब अपने हाफ स्टेज पे आ गई है, सभी टीम्स का प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना चाहती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबू धाबी टीटेल लीग मैच नंबर 20 और 21 की। तो पहले बात करते हैं मैच नंबर 20 की, जो कि खेला जाएगा बांग्ला टाइगर्स और मॉरिसवेल सेम्पार्मी के बीच में, जहां पे पॉइंट टेबल में बांग्ला टीम नंबर 7 पे है तो वही मॉरिसवेल टीम नंबर 2 पे है। अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो अबू धाबी की पिच स्लो टर्नर है, पिच सॉलिड नज़र आ रहा है। अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 62% रहेगा, क्लाउड 10% रहेगा। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बात करते हैं बांग्ला टाइगर का शॉट एनालिसिस करते हैं, टीम अभी तक 3 मैच में से 1 मैच जीती है और 2 मैच हारी है। बांग्ला टीम में जॉर्डन कॉक्स टीम के लीडिंग रन स्कोर है, 3 मैच में उनके बैट से 147 रन निकले हुए हैं। यहाँ पर क्रिस लिन अब तक टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रहे हैं। अगर कुशल मेंडिस की बात की जाए तो टीम को स्टेबल कर सकते हैं, किलर मिलर का बैट अब तक खामोश है। फिनिशिंग में जहाँ पे कार्लोस ब्रैडफोर्ड है, डैनियल सैम्स को मैच खत्म करना होगा। टीम की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग में अगर बात करें तो जॉशुआ लिटिल टीम को लीड करेंगे, टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। डैनियल सैम्स टीम के प्लस पॉइंट हो सकते हैं, डोमिनेट जो विकेट लेस है अब तक। वही अगर की प्लेयर की बात की जाए तो कुशल मेंडिस है, डेविड मिलर है, जॉस लिटिल है। अब अगर बात करते हैं मॉरिसवेल सेम्पार्मी का शॉट एनालिसिस करते हैं, टीम अपने 4 में से 3 मैच जीत कर पॉइंट टेबल नंबर 2 पे है। टीम के टॉप परफॉर्मर 5 डुप्लोसिस, जिन्होंने 4 मैच में 98 रन बनाए। वही ओपनर की बात करें तो एंड्रे गॉस और इब्राहिम जद्दान जो फॉर्म में चल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में मोइन अली हैं, नजीबुल्ला और करीम जनात हैं। ऑलराउंडर जेसन होल्डर लास्ट मैच में हीरो थे, उन्होंने 3 विकेट लिए थे। बॉलिंग टॉप परफॉर्मर मोइन अली है, उन्होंने 5 विकेट लिया। कशिश समद ने अब तक 5 विकेट लिए। बॉलिंग टीम की स्ट्रॉन्ग है, पीटर होटेजू जो विकेट ले रहे हैं, करीम जना यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं। अब अगर बात करते हैं चलते की प्लेयर देखते हैं, तो की प्लेयर में 5 डुप्लेसिस है, मोइन अली है, जेसन होल्डर है। अब अगर बढ़ते हैं चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर, तो स्टेबिलिटी को देखते हुए मैच विनर मॉरिसवेल सेम्पार्मी की टीम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अब बात करते हैं मैच नंबर 21, जो कि खेला जाएगा डीकन ग्लेडिएटर और नॉर्थन वॉरियर के बीच में। दोनों टीम इस समय पॉइंट टेबल में मिडिल में चल रही है। करते हैं नॉर्थन वॉरियर का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, टीम 2 लगातार मैच हार कर यहाँ उतर रही है और टूर्नामेंट बने रहने के लिए उसे इस मैच को जीतना ही होगा। टीम के टॉप परफॉर्मर की बात करें तो जहाँ पे हजरतुल्ला जजाए 4 मैच में से उन्होंने 143 रन बनाए, जिम्मी निसम जो फ्लॉप चल रहे हैं, केनवर लिविस टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में एडम होज मुनरो हैं। अगर कैप्टन की बात करें तो मैथ्यू को रन मारना होगा। टीम के बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीम के लीडिंग विकेट टेकर कैप्टन मैथ्यू, उन्होंने अब तक 60 विकेट लिए हैं। वहीं अगर अभिमन्यु मिथुन ने अब तक 7 विकेट लिया है। स्पिन डिपार्टमेंट में जो यहाँ पे तबरेज शमसिक ने 5 विकेट लिया है। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें तो जिम्मी निशान है, कॉलिन मुनरो और मैथ्यू। अब अगर बढ़ते हैं चलते हैं डेक्कन ग्लेडिएटर का टीम शॉट एनालिसिस करते हैं, टीम 4 मैच में से खेल कर 2 जीत के आई और 2 हार के आई। पॉइंट टेबल में 3rd पोजीशन पे है। टीम के टॉप परफॉर्मर टॉम कॉलर, जिन्होंने 4 मैच में से 153 रन बनाए। वहीं इस मैच में टीम को सुधार करना चाहेगी, एंड्रिया फ्लेचर टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, 4 मैच में से उनके नाम 94 रहे। लास्ट मैच में निकोलस पुरा ने भी अच्छा इनिंग खेली। ऑलराउंडर की बात करें तो एंड्रिया रसल जो कि अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, फैबियो एलन टीम के प्लस पॉइंट है। लास्ट 2 मैच में टीम की बॉलिंग बहुत वीक रही, नुकसान तुषारा लगातार विकेट ले रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो टॉप परफॉर्मर लूक वुड, उन्होंने 3 विकेट लिया, जहां पे जहूर खान भी महंगे पड़ रहे हैं। अगर टेंट बोल्ट अभी तक इफेक्टिव है, स्पिनर इमाद वसीम जो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। और अगर की प्लेयर की बात की जाए तो जहां पे निकोलस पुरान है, टेंट बोल्ट है, एंड्रिया रसल। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं प्रिडिक्शन की ओर। तो दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए इस मैच का विनर नॉर्थन वॉरियर हो सकता है। तो यहाँ आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़ी मैच एनालिसिस, मैच प्रिडिक्शन और टॉस रिपोर्ट। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।